तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में काफ़ी कमाल के दो फ़ोन लेके आए हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया है Vivo V19 और एक साइड हमारे पास है दोस्तों Realme 6 Pro। जी हाँ, Vivo V19 जो लेटेस्ट फ़ोन है आपका Vivo का, और आप जानते हैं जब भी मैं Vivo से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो दोस्तों इसी के साथ एक लाइक तो नीचे ठोकी दीजिए। दोस्तों साथ ही साथ जो लेफ्ट में मेरे पास है वो है मेरे पास यहाँ पे Realme 6 Pro, जो कि काफ़ी अच्छा अपने आप में काफ़ी दमदार फोन है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग करने जा रहे हैं इन दोनों का स्पीड टेस्ट, और स्पीड टेस्ट में पता लगाएंगे कि कौन सा फोन जो है जीतने वाला है और कौन सा फोन हारने वाला है, कौन सा है फोन सबसे सुपर फास्ट और कौन सा है फोन ढीला ढाला। तो दोस्तों यहाँ पे ढीले ढाले फोन को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हमने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ढूंढ के निकाली हैं आप लोगों के लिए, जो कि आप डेली बेसिस में यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उनके बेसिस पे हम लोग दिखाएंगे कि कौन सी फ़ोन में कौन सी ऐप ज़्यादा जल्दी लोड होती है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कि आपका कौन सा फ़ोन जो है पहले रीबूट होगा, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग कंपेयर करेंगे इसके अंदर आपका N22 बेंचमार्क स्कोर। जी हाँ, N22 बेंचमार्क स्कोर, जिससे आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले करते हैं हमारा फेवरेट रीबूट टेस्ट। बट जी हाँ, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और अगर आपका कुछ भी मन में डाउट आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रीबूट टेस्ट के साथ। दोस्तों दोनों ही फ़ोनों को पहले मैं रीबूट मेन्यू में ले आता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं रीबूट मेन्यू में आ चुका है, और यहाँ पर प्रेस कर दिया है हमने रीबूट। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन अभी स्विच ऑफ हो चुके हैं, और देखते हैं कौन सा फ़ोन सबसे पहले पैदा होने वाला है। जी हाँ, मेरा मतलब है कि कौन सा फ़ोन जो है उगेगा पहले, और हमारा वीवो जो है दोस्तों पहले उगने स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे रियलमी थोड़ा ढीला दिख रहा है। हालांकि दोस्तों बनता भी है रियलमी का थोड़ा ढीला होना, क्योंकि उसका प्राइस और वीवो V19 का प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बट दोस्तों मैं हमेशा यही कहूँगा कि वीवो V19 थोड़ा ओवर प्राइज है इन कंपेरिजन टू रियलमी फ़ोन्स। दोस्तों देखते हैं कौन सबसे पहले अपना फ़ोन की स्क्रीन को बूट करके दिखाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमाल देख सकते हैं, यहाँ पे कमाल हो गया है कि यहाँ पे आपका जो Realme फ़ोन है वो ऑन हो चुका है, और Vivo आपका दोस्तों अब जाके ऑन हुआ है। क्लियरली यहाँ पे आपका Realme जीत चुका है। दोस्त चलिए चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट फेज की ओर, और बिना टाइम वेस्ट करे दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने स्पीड टेस्ट के अंदर। तो दोस्तों स्पीड टेस्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे जो रीसेंट मेमोरीज हैं वो सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि मैंने कुछ भी रीसेंट मेमोरीज में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही साथ मैं बताया था कि दोनों का जो वाईफाई कनेक्शन है दोनों बिल्कुल सेम है। इसके अलावा दोनों ही फ़ोनों के अंदर पावर सेविंग मोड ऑफ है, दोनों के अंदर दोस्तों जो आपका डार्क मोड है वो ऑन है, और लोकेशन दोनों में ही ऑन रखी गई है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे स्पीड टेस्ट को, और देखते हैं कौन सा फ़ोन जीतने वाला है हमारा स्पीड टेस्ट। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खोलेंगे गूगल को, और देखते हैं कौन जीतने वाला है गूगल को। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे Realme 6 Pro जो है जीत चुका है, और आपका कहीं ना कहीं Vivo थोड़ा सा लैग नज़र आया है Vivo के अंदर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन की ओर, जो कि है आपका क्रोम, और क्रोम के अंदर आप खोलते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स, और वेबसाइट्स खोलने के लिए आपको सबसे पहले उसको लोड करना पड़ेगा, और क्रोम को लोड करके देखते हैं। दोस्तों क्रोम भी यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड Realme 6 Pro है, और Realme 6 Pro के अंदर क्रोम आपका पहले खुल चुका है, देन टू आपका Vivo। दोस्तों चलिए चलते हैं आगे जीमेल के अंदर, जिसके अंदर आप खोलते हैं सबसे पहले अपनी एप्लीकेशंस को, अपनी मेल्स को, और यहाँ पे दोस्तों ये जो है मुझे टाई लगा है कहीं ना कहीं, दोनों ही लगभग दोस्तों साथ में खुले हैं, तो यहाँ पे आपका कोई भी फ़ोन जीता या हारा नहीं है। दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर, जो कि हमारा मैप्स, और मैप्स से हम लोग सर्च करते हैं अपनी दोस्त का एड्रेस। दोस्तों यहाँ पे हमारा जीत चुका है Vivo इन कंपैरिजन टू रियलमी, रियलमी थोड़ा सा यहाँ पे लैग कर गया, देन टू Vivo। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर, जो कि है प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पे कौन डाउनलोड करेगा। दोस्तों प्ले स्टोर भी यहाँ पे आपका मुझे कहीं ना कहीं Vivo V19 में पहले खुलता हुआ दिखा, देन टू आपका रियलमी फ़ोन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं यूट्यूब, और यूट्यूब जहाँ पर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो YouTube है वो कहीं ना कहीं Realme 6 Pro में पहले खुला है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं Amazon को, और Amazon में कौन देखते हैं शॉपिंग करेगा सबसे पहले।
और दोस्तों क्लियरली यहाँ पे आपका जो Amazon है यहाँ पे Realme 6 Pro में पहले खुल चुका है, देन टू Vivo V19। अब खोलते हैं दोस्तों कैंडी क्रश सागा, और ये छोटी छोटी गेम्स हैं दोस्तों जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद है और आप लोग मेट्रो में खेलते दिखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों लगता तो है मुझे वीवो में खुलेगा पहले, और दोस्तों हाँ दोस्तों यहाँ पे वीवो में पहले खुल चुका है आपका क्लियरली कैंडी क्रश सागा। दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और एक और छोटी सी गेम खोलते हैं जो कि आपकी है सबवे सर्फर, और सबवे सर्फर भी देखते हैं दोस्तों कौन सबसे पहले लोड करने वाला है। दोस्तों कहीं ना कहीं क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे लोड होगी हमारी वीवो में पहले, देन टू हमारी रियलमी 6 में। दोस्तों रियलमी 6 प्रो थोड़ा सा स्लो दिख रहा है इस मामले में, देन टू आपका वीवो V19। दोस्तों ये होगी हमारी छोटी छोटी गेम्स। अब बात करेंगे दोस्तों बड़ी सी गेम के बारे में जो कि है हमारी पबजी। दोस्तों पबजी के लिए तो सारी दुनिया ही दीवानी है, तो हम भी जरा देखें कि कौन खेल पाएगा पबजी पहले। दोस्तों पबजी देखते हैं कि कौन चंद सेकंडों पहले खेल पाएगा। आपने इतने पैसे लगा दिए हैं वीवो V19 में, और अगर उसमें भी आप तब भी पहले ना खोल पाए किसी गेम को तो क्या ही फ़ायदा। और यहाँ पे दोस्तों क्लियरली दिख रहा है मुझे कि जो आपकी गेम है दोस्तों रियलमी 6 प्रो में पहले खुल रही है। दुखद बात है, 2 मिनट का मौन लेना चाहूँगा मैं जिन लोगों ने वीवो V19 लिया है। दोस्तों क्लियरली दिख सकता हूँ यहाँ पे आपका जो खुल चुकी है पबजी इसके अंदर और यहाँ पे खुल रही है। दोस्तों मजाक नहीं उड़ाना हमें वीवो V19 वालों का, बट क्या करें हंसी तो आती ही है। जिन लोगों ने वीवो V19 लिया है उसके लिए मुझे बड़ा ही खेद है, और जिन्होंने नहीं लिया दोस्तों बच के रहना इस फ़ोन से, ये बड़ा ही ख़तरनाक फ़ोन है, काफ़ी महंगा फ़ोन है और तब भी आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं देता। दोस्तों अब यहाँ पे होएगा दूध का दूध पानी का पानी, और देखेंगे N22 बेंचमार्क स्कोर के अंदर कि N22 बेंचमार्क स्कोर में कौन जीता है और कौन हारा है। दोस्तों आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पे स्कोरिंग करवा रखी है, और स्कोरिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों क्लियर डिफरेंस है। यहाँ पे 2,75,000 है और यहाँ पे है 2,39,000। तो दोस्तों क्लियरली आपका रियलमी 6 प्रो यहाँ पे जीत रहा है, और आप लोग अंदर भी देख सकते हैं यहाँ पे CPU का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों काफ़ी अच्छा है रियलमी 6 प्रो में, देन टू आपका वीवो V19। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।